तो फर्स्ट कि प्रॉपर नोट्स बनाए जाएं, मोस्टली क्या किया जाए, शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं ताकि उनको ईजिली हम रिवाइज भी कर सकें। एंड नोट्स के साथ साथ हमें MCQ भी लगाने चाहिए। MCQ जो हैं वो एक एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं और हमारे जो पेपर में हैं वो भी MCQ ही आते हैं। तो MCQ लगाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आएगी कंसेप्ट की। और थर्ड वन इज़ कि हमें रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जो है एग्ज़ाम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो ना भूलें। 100% सिलेबस अगर नहीं कवर अप होता, लेकिन 70-75% सिलेबस कवर अप करके भी हम ईजली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें उस 70-75% की रिवीजन भी करनी चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers and initiated by Unacademy. My name is Talveer Singh. आपको मालूम है कि हर साल NTA NET, UGC NET में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें से सिर्फ 6% स्टूडेंट्स का NET क्लियर होता है और उसमें से सिर्फ 1% या उससे भी कम स्टूडेंट्स का JRF क्लियर होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर हैं जिन्होंने 99% के साथ नेट JRF कॉमर्स में क्लियर किया है। तो चलिए मिलते हैं डिम्पल से। हेलो डिम्पल, वेलकम टू द शो। हेलो सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि JRF क्लियर करने के बाद वो एक फीलिंग जो आती है कि कैसा लगता है कि आप एक आप एक टारगेट अचीव करना चाहते हो, है ना, तो उस टारगेट को आप अचीव भी कर लेते हो तो उसके बाद वो एक खुशी होती है ना, तो कैसा लगा था जैसे रिजल्ट आया था? सर JRF जो है, मुझे टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो JRF है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब मेरा JRF क्लियर हुआ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं भी आगे टीच कर पाऊँगी। तो मतलब एक्साइटेड हुए कि हाँ चलो जो करना चाहते थे वो कर लिया। ओके, तो चलिए पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए हमारे लर्नर्स को। माई नेम इज़ डिम्पल, मैंने अपना नेट JRF कॉमर्स में क्लियर किया है विद 99.5%। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, क्योंकि UGC नेट के बारे में बहुत सारी मिथ बनी हुई हैं कि सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चे ही हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे टॉपर्स हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या सिर्फ वही क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मैंने कॉन्वेंट से किया है। नॉर्मल मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरे 10th में 87% हैं और 12th में मेरे 85% हैं, एंड BCom में मेरे 70% हैं और MCom में मेरे 75% हैं। MCom में मेरे इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत MCom में की हुई है। पहले मतलब नॉलेज नहीं थी इतनी कि कहीं जाना है, कोई गाइड करने वाला नहीं है इतना घर में फैमिली में, तो इसलिए MCom में जब एक फ्रेंड सर्कल बना तब मैंने स्टार्ट किया, तो इसलिए मेरे MCom में सब BCom से भी ज़्यादा हैं। ओके, तो मतलब MCom बेसिकली MCom के बेस पे ही आपने एग्ज़ाम क्लियर करना चाहा। तो ये तो रहा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो लाइक जैसे नेट और अगर JRF की हम बात करें तो बेसिकली ये टीचिंग के लिए है। हाँ जी। तो पहले से ही ये डिसाइडेड था कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या मतलब बाद में, मतलब कहाँ से पता चला कि हाँ यार मुझे टीचिंग एक मेरा पैशन है या मुझे टीचिंग में ही जाना है, मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से मिली? ठीक है सर, मैंने जैसा बताया कि मेरा जो BCom तक है वो कुछ भी क्लियर नहीं था कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो एक बार जब मैंने MCom में एडमिशन लिया, किसी ने मुझे गाइड किया था मेरे घर में से ही कि MCom में एडमिशन ले लेते हैं, तो जब मैंने MCom में एडमिशन लिया तो एक सर थे, उन्होंने हमें गाइड किया था नेट JRF के बारे में। फुल फ्लेज एक लेक्चर उन्होंने दिया था कि कैसे मतलब क्या होता है इसमें, तो वो प्रेजेंटेशन भी लेते थे एक तरह से, मतलब ये कह सकते हैं प्रैक्टिस भी कराते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और तब से ही मेरा पैशन बना था कि मुझे भी टीच करना है। मतलब वो प्रेजेंटेशन से एक मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का आपको लगा कि हाँ मतलब मैं भी कर सकते हूँ। तो ये तो रहा कि आप टीचिंग में जाना चाहते, तो उस टीचिंग में जाने के लिए नेट JRF के बारे में मतलब आपको कैसे पता चला या आपने किस कब डिसाइड किया कि मुझे भी JRF क्लियर करना है? पहले तो मेरे सर ने मुझे बताया, कॉलेज वाले सर ने, कि नेट JRF होता है। देन मैंने YouTube पे सर्च किया और फिर मुझे आपका ही, तलवीर सर का ही चैनल कॉमर्स नेट अचीवर जो है,
उससे मैंने थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन की, क्योंकि एमकॉम के एग्ज़ामिनेशन भी चल रहे थे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फिर आपसे ही मुझे अनअकैडमी का भी पता चला और फिर मैंने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर फिर स्टडी किया है और उस पर भी मैंने आपको ही फॉलो किया है। ओके, तो मतलब अपने YouTube के थ्रू या अपने अनअकैडमी प्लस के थ्रू आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला और उस तरीके से आपने मतलब एग्ज़ाम को मतलब प्रिपेयर किया। तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था क्या? नहीं, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। ओके, थर्ड अटैम्प्ट था, तो इससे पहले आप अटैम्प्ट दे चुके थे। हाँ जी। तो डिम्पल ये बताइए कि जब आपने थर्ड अटैम्प्ट में अपना JRF क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि फर्स्ट टू अटैम्प्ट में आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होंगी ना, तो वो कौन सी एक ऐसी मिस्टेक थी जो आप हमारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे जो आपने पहले दो अटैम्प्ट में की, मे बी वो भी कर रहे होंगे शायद, तो आप उनको ये प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि वो कौन सी गलती थी जो आपने पहले अटैम्प्ट में की और उसको फिर आपने इम्प्रूव किया ताकि नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपने अपना JRF क्लियर किया। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो दिसंबर 2018 का था। ओके। तो उसमें मेरे पास एमकॉम के एग्ज़ाम के बाद 7 डेज का ही टाइम था। उसमें मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी, इतना ज़्यादा मतलब कवर अप नहीं हो पाया था सिलेबस, पर उसे मेरा नेट क्लियर हो गया था। ओके, नेट आपका दिसंबर में क्लियर हो गया था मतलब। तो उसे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि अब JRF भी करना है, क्योंकि नेट तो मोस्टली सबके पास है बट फिर भी JRF करना ही है। तो फिर मैंने जून में अटैम्प्ट दिया, जून 2019 का। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, लेकिन 1 मंथ का टाइम था, उसमें नोट्स प्रिपेयर किए, बहुत वास्ट सिलेबस होता है तो नोट्स ही प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। okay. और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया था कि अगर क्रैक नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा। okay. तो उस वजह से क्रैक नहीं हो पाया। okay. मतलब उस नेट हो गया था बट JRF नहीं, उसमें भी मेरा नेट हो गया था। ओके ओके, उस टाइम पे भी नेट हो गया। हाँ जी। देखिए, जिस तरीके से डिंपल ने हमें बताया है कि इन्होंने जो मिस्टेक की थी, और मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, वो यही है कि वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को पढ़ते रहते हैं ना, सिर्फ अपने सिलेबस को कवर करने पे लगे रहते हैं बट वो MCQ की प्रैक्टिस नहीं करते। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पेपर आपका MCQ टाइप होता है। तो अगर आप भी ये गलती कर रही हो तो इसको अभी सुधार लीजिए, आप MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो डिम्पल, थोड़ा पहले एग्जाम के बारे में बात करते हैं। मतलब लाइक आपको पैटर्न तो पहले पता चल ही गया था कि आपने पहले बार दो बार अटैम्प्ट दिया था और उसमें आपका नेट क्लियर हो गया था और इस बार आपका JRF क्लियर हुआ। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम पेपर वन के बारे में बात करते हैं। तो पेपर वन को आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, क्या आपने फॉलो किया, मतलब एक हमारे लर्नर्स को आप इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताइए जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है। सर, पहले तो मैंने एक आपने जो रेफ़र की थी KVS मैदान की बुक, पहले तो मैंने उसी से थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया। देन मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो किया, जैसे टीचिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये तो फिर भी मतलब हो जाती है मेरे से, मतलब मैं कर लेती हूँ। RC और DI में मैंने डेली प्रैक्टिस की, डेली क्वेश्चन लगाने, और एक ये था कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये थी कि जो मुझे प्रीवियस अटैम्प्ट में ये लगा कि मॉक टेस्ट की मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो जो भी टॉपिक मैं रीड आउट करती थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, जहाँ से एग्ज़ाम बनता है, तो मैंने उस पर गूगल पे लिखकर और MCQ की प्रैक्टिस की। तो वही एक सिंपल स्ट्रेटजी जो आपने यूज़ की कि लाइक आप एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो और उसके साथ साथ उसकी MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस भी आपका चलता रहा। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने KVS मैदान की बुक्स और साथ में अनअकैडमी प्लस पे आपने क्लासेस को फॉलो किया था और उससे मतलब हो गया, आपको लगा कि ये सफिशिएंट है। हाँ जी सर, और मैंने जैसा बताया कि मैं गूगल पे भी कर लेती थी, गूगल भी कर लेती थी, जो टॉपिक मैं रीड आउट करती थी उसको डेली गूगल करके उस पर MCQ लगा लेती थी, क्योंकि MCQ लगाने से ये होता है कि वो श्योर हो जाता है उसको कैसे अप्लाई करना है। मतलब आपकी लास्ट सेशन में आपने मिस्टेक्स भी यही की थी कि MCQ नहीं किए थे, इस वजह से लाइक अभी इस बार आपने अच्छे खासे MCQ किए। तो पेपर वन में लाइक हमारे पास बेसिकली 10 यूनिट्स आती हैं ना, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को बेसिकली, आपको पता है आपने अभी एग्जाम क्लियर किया कि आपको भी मे बी उस टाइम पे प्रॉब्लम आई होगी कुछ कुछ यूनिट्स में और बहुत सारे लर्नर्स को भी वो प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो मिस्टेक, वो जो मतलब वो यूनिट्स हैं, वो कौन सी यूनिट्स हैं और आपने उनको कैसे टैकल किया था? सर, मेरे अकॉर्डिंग पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। okay. तो मैं इनको कभी भी पूरा नहीं रीड आउट करती थी कि पूरा ही एक ही बारी सारी यूनिट को रीड आउट कर लिया। मैं डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा इनका कंटेंट जो है वो कवर अप करती थी, कभी भी मैंने पूरा मतलब फॉलो नहीं किया इसको।
ओके, तो मतलब आपको लगता है कि ये दो यूनिट्स ऐसी थी जिसको आपने थोड़ा थोड़ा कवर किया, मतलब लाइक आप मतलब प्रिपेयर तो किया बट उतने अच्छे से नहीं किया, छोड़ के तो नहीं जा सकते। मतलब एक मिथ भी है ना कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स भी ये बोल देते हैं कि आप 100 का 100% पढ़ के जाओ तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, मतलब क्या आप 100% पढ़ के गए थे? नहीं सर, 100% तो कभी भी सिलेबस कवर अप हो ही नहीं पाता, अगर 100% पढ़ेंगे तो रिवीजन कब करेंगे, मतलब टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता। तो मतलब आप यही कहना चाहोगे हमारे लर्नर्स को कि 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 70-75% तक भी करते हो, अगर आप उसे ही अच्छे तरीके से कर लेते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, राइट। तो ये तो रही आपके फर्स्ट पेपर के बारे में स्ट्रेटेजी। बात करते हैं कॉमर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल कॉमर्स में अपना एग्जाम देते हैं, तो कॉमर्स के बारे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आपका कम सिलेबस है तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं सेकेंड पेपर है वो बहुत वास्ट है, इट इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस, तो उसमें आप मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया था? तो जैसे मैंने प्रीवियस जो है एग्ज़ाम देखी थी क्वेश्चन पेपर जैसे, तो उसमें लास्ट ईयर जो जून 2019 का अटैम्प्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सेक्शन आ गया था। ओके, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल सेक्शन से थे, तो उस टाइम तो मेरे से भी अटैम्प्ट नहीं हुए क्योंकि रिवाइज ही नहीं किया था, फर्स्ट टाइम था, तो पहले तो मैंने प्रैक्टिकल सेक्शन पर थोड़ी सी रिविज़न की, ठीक है। और देन जो हमारी जो यूनिट होती है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स तो मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है, okay. मतलब क्योंकि मेरे पास प्लस टू में नहीं थी, मेरे पास प्लस टू में मैथ था, okay, okay. तो इकोनॉमिक्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैंने इकोनॉमिक्स को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया, मतलब रफली थोड़ा आइडिया ले लिया, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ के चले गई, ठीक है। और ऐसे ही मैं मतलब डेली की 1 वीक में एक यूनिट कवर अप करती थी, तो इससे मेरा 3-4 बार सिलेबस जो है वो रिवाइज आराम से हो गया था, क्योंकि सिलेबस तो आपने पहले पढ़ रखा था, आपने बताया कि आप पहले अटेम्प्ट, नोट्स तो मेरे मतलब पहले से ही प्रिपेयर हो चुके थे, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी रहा इस बार, बस ये है कि बार बार पढ़ना पड़ता है तो कई बार डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, मतलब वो थोड़ा हॉजपॉज टाइप भी हो जाता है, बट मेरी फैमिली जो है वो मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तू कर सकती है, तभी ये क्लियर हो पाया है, मम्मी की मोटिवेशन कहीं ना कहीं काम कर गया और जेआरएफ क्लियर हो गया। तो चलो मतलब सेकंड पेपर के बारे में आप बताइए थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट पेपर के बारे में आपने बताया कि आपको पेपर और एनवायरमेंट और साथ में जो हमारा हायर एजुकेशन है उस यूनिट में आपको प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर आपने बताया कि आपकी इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो सेकंड पेपर के रिगार्डिंग आपको ये एक ऐसी टिप हमारे लर्नर्स को देना चाहोगे जो कि आपको लगता है कि हाँ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे, या जो गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं वो ठीक कर पाएंगे? सेकेंड पेपर के लिए कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो मैं यही कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाएँ जिससे कि जल्दी से जल्दी रिवाइज किया जा सके उनको, और जितनी जल्दी मतलब हम बार जितनी बार सिलेबस को हम रिवाइज़ करते हैं तो उतने अच्छे से हमें वो क्लियर होता रहता है, तो मैं कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा प्रेफर करूँगी एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे कोर्सेज में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊँगा कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, बल्कि ये भी बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है और एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। मैं हर लेसन आपको सामने रख के बनाता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और निमोनिक्स के जरिए आई मेक श्योर कि आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मेरी गाइडेंस में हजारों स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये एग्ज़ाम क्लियर करें। मैं हूँ तलवीर सिंह, मैं पढ़ाता हूँ पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट फॉर NTA UGC NET। मेरी लाइव क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। तो अभी आपने बात किया नोट्स की, लाइक नोट्स के बारे में, मैं भी अक्सर स्टूडेंट से बहुत से स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या कितने आपके अटैम्प्ट हैं, तो वो अक्सर बोलते हैं कि सर हमारा 4th अटैम्प्ट है, हमारा 5th अटैम्प्ट है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कभी नोट्स बनाए हैं, तो बोलते हैं कि नोट्स नहीं बनाए। मतलब मुझे जो पर्सनली लेवल पे ये लगता है कि नोट्स ना बनाना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ एग्री करते हो इस पॉइंट पे कि नोट्स बनाना ज़रूरी है? यस सर, आई एग्री विद यू, बिकॉज नोट्स अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं वो, अगर मान लो अगर आप बुक से रिवाइज कर रहे हो बुक से, या फिर आप PDF से रिवाइज कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ हम मिस कर जाते हैं, तो मैं कहूँगी शॉर्ट नोट्स बनाने तो
जरूरी है। नोट्स आप बोलोगे कि हाँ लर्नर्स को नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो जो अभी मतलब फिलहाल जो लर्नर्स ये गलती कर रहे हैं कि वो नोट्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि जून में आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो वो इस गलती को ना करें। मतलब नोट्स इन द सेंस कि आप क्रिस्पी वे में नोट्स को बना सकते हो, बहुत लेंथी नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये हो कि आपको जब रिविज़न करो तो आपको बुक्स पे डिपेंड ना करना पड़े और आप सिंपल अपने नोट्स को पढ़ के ही टॉपिक्स को कवर कर पाओ। तो हमने एक एक करके पेपर वन के बारे में बात की है, पेपर टू के बारे में बात की है, आपके एमसीक्यू के बारे में हमने बात कर ली है। एक पॉइंट जो कि ये भी एक बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम आती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे आपको पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओशियन टाइप हमारा सिलेबस है, वो तो खत्म होता ही नहीं है। आप चाहे 2 साल लगे रहो तो सिलेबस तो फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हो कि मैंने 100% सिलेबस है वो कवर कर लिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस कवर करते रहते हैं बट कहीं ना कहीं वो रिवीजन जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है रिवीजन को लेके? डेफिनेटली रिवीजन किया होगा आपने, तभी तो मतलब जेआरएफ तक आप पहुंच पाए हो। तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही थी और आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करो कि उनको रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए? तो एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले जो है रिवीजन ही करना चाहिए, उसमें हमें कुछ भी न्यू नहीं स्टडी करना चाहिए क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा है उसे हम भूल जाते हैं। और एक मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी इस बार कि जो पेपर टू है वो हम प्लस वन से रीड आउट करते आ रहे हैं, तो मैंने पहले पेपर टू को अटेम्प्ट किया था क्योंकि पेपर वन जो है वो अभी हम 1 मंथ या 6 मंथ में स्टडी कर रहे हैं, तो पेपर टू को मैंने पहले टारगेट किया और देन मैंने पेपर वन को अटेम्प्ट किया था। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब पेपर में तो आप किसी भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक इस बार तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है या सेकंड अटेम्प्ट करना है, तो मतलब पेपर में भी आपने फर्स्ट सेकंड पेपर को पहले अटेम्प्ट किया और फर्स्ट को आपने बाद में अटेम्प्ट किया। तो ठीक है, ये रहा हमारा पेपर टू के बारे में। ओके, तो ये तो आपकी रिविज़न स्ट्रैटेजी रही कि आपने किस तरीके से रिविज़न किया। डिम्पल, एक और बात जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये है कि जैसे हमारे 2 पेपर रहते हैं, पेपर वन होता है या पेपर टू होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर वन ही पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पेपर टू ही पढ़ते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमें पेपर वन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या आपने क्या यूज़ किया था, लाइक आपने पेपर वन पे ज़्यादा ध्यान दिया या दोनों पेपर पे ध्यान दिया? तो मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है दोनों पेपर को मिला के? तो पेपर वन और पेपर टू दोनों इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर पेपर वन में कम मार्क्स आ जाते हैं तब भी हम JRF नहीं क्रैक कर सकते और अगर पेपर टू में आ जाते हैं तब भी हम क्रैक नहीं कर सकते। तो पेपर वन और पेपर टू दोनों को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। पेपर वन में मैंने ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सेक्शन होता है और प्रैक्टिकल सेक्शन में हम श्योर होते हैं आंसर को लेकर, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है DI पर, RC पर, मैथमेटिकल रीजनिंग पर। और जो पेपर टू होता है वो थियोरेटिकल है, उसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो टाइम तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर वन को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। मतलब पेपर वन को आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो देखिए, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं कि वो सेकंड पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फर्स्ट पेपर तो काफ़ी आसान होता है और उसे हम 1 महीना पहले भी बना लेते हैं। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। तो आपको भी दोनों पेपर्स पे बराबर ध्यान देना है, दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और दोनों पेपर में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका फर्स्ट पेपर है वही आपको जहाँ तो नेट JRF का जो डिफरेंस है उसको पेपर वन ही कवर करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप पेपर टू के को सामने रखते हुए या पेपर टू को बेस बना के JRF क्लियर कर लोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो जो नेट और JRF का गैप है वो आपका पेपर वन ही कवर करेगा। तो देखिए, जो मैं NTA NET के पेपर की अगर बात करूँ या मैं किसी भी पेपर की बात करूँ तो बेसिकली हम 2 फेज़ में उसको प्रिपेयर करते हैं। लाइक एक तो जब आपने एग्ज़ाम अभी प्रिपेयर कर रहे हो और दूसरा होता है एग्ज़ाम देना। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो 4 महीने तक 6 महीने तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं बट जैसे ही एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या पेपर में जाके वो छोटी छोटी गलतियाँ जिसको हम सिली मिस्टेक्स बोल देते हैं वो कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है या आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की थी इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए और ताकि पेपर से पहले भी और पेपर के दौरान भी आपका जो परफॉर्मेंस हो उस पर किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट ना हो? सर, जो कहीं होते हैं वो सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं, 24 आवर्स में कम से कम 10 आवर्स 8 आवर्स पढ़ते रहते हैं, तो
तो स्टडी जो है वो एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा. तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जब मन करता था मैंने तभी स्टडी की. तो जो मैं है वो सिक्स टू सेवन आवर्स की मैं स्टडी नहीं करती थी, मैं ब्रेक ले लेकर स्टडी करती थी ताकि थोड़ा सा जो मूड है वो फ्रेश होता रहे. तो ये तो आपकी स्ट्रेटजी रही है. तो जो वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है ना, लाइक आप पहले पढ़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहते हो, बट एग्ज़ाम में जाके कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस को देखते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं आता, पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता. कई बार ऐसा होता है लाइक पहले 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, तो एकदम से हौच पौच जैसे हम बोल देते हैं ना कि स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनका माइंड है वो काम करना बंद कर देता है. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको भी ऐसा क्या लगा था पेपर में देते हुए? बिल्कुल सर, आपको भी ऐसा ही लगा था, तो सर, आपने उसको कैसे डील किया? जो 2019 का मेरा एग्ज़ाम था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था कि अब तो मेरी एमकॉम भी क्लियर हो जाएगी और मुझे इसको भी क्रैक करना ही करना है. तो स्ट्रेस की वजह से मेरा एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो पाया. मतलब मेरा जो पूरा फोकस है वो पेपर पर नहीं लग पाया. मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था. तो लेकिन जो मेरा दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम था इसमें मैंने ये सोच कर दिया कि अगर नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, बस अपना 100% दिया कि ठीक है. हाँ जी, इस क्योंकि एक बार जो गलती हो जाती है, जैसे हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गलती हो जाएगी चलो उसको सुधार लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद अगर कोई गलती हो जाए फिर उसको सुधार नहीं सकते. छः महीने चाहिए उसको सुधारने के लिए. आप ये बोलते हो कि हाँ ठीक है वो करना चाहते, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा चिल रह के आपने, मतलब वही है ना कि हाँ अपना 100% देने की कोशिश की है, ये नहीं सोचा कि जो होगा देखा जाएगा. मतलब लाइक आपने अपना 100% दिया और उसको आपने स्ट्रेस को, मतलब लाइक आपने स्ट्रेस को उसको हैंडल किया. ये तो एग्ज़ाम स्ट्रेस की बात करते हैं. एक और स्ट्रेस है जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे नहीं मैं बोलूँगा कि 100% स्टूडेंट्स को ऐसे होता है. जैसे अगर आप बोलो कि साल में हमारा 2 बार एग्ज़ाम होता है, लाइक जून में एक और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो पहले जैसे अगर आप जनवरी में स्टार्ट कर देते हो ना, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, आप एकदम चिल होकर एग्ज़ाम दे मत की प्रिपरेशन करते हो. जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और लास्ट मंथ में आके वो प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको भी हैंडल नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन जो सही डायरेक्शन में जा रही थी उसको वो ख़राब कर लेते हैं. तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे, या लास्ट मंथ टिप्स के बारे में अगर मैं पूछूं कि आपने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी उस एग्ज़ाम से पहले वाले स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए? जैसे अभी दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है, जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग हमें एक इजी यूनिट से स्टार्ट कर लेना चाहिए. क्योंकि पहले जो होता है वो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है अभी हम उसको कर लेंगे. तो अगर हम इजी यूनिट स्टार्ट करते हैं जो मुझे आती है जिसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने वही स्टार्ट की थी. मेरी प्रैक्टिकल सेक्शन से मैंने स्टार्ट किया था, तो इससे एक फ़्लो बन जाता है. फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम भी आने वाला है और अब हम जो है अपनी जो हमें यूनिट नहीं अच्छे से आती उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. मतलब वो धीरे धीरे आप ना स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहते हो, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या एक टाइम फ्रेम के दौरान आप कितना पोर्शन कवर कर सकते हो आप उसको सामने रखते ही आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हो. तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है. तो एक हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया, तो मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि सिली मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत बार एड्रेस नहीं किया जाता और पेपर के बाद बच्चों को फील होता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, है ना. जब आप पेपर दे के आते हो तो आपको लगता है कि यार 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे बट मैंने वो नहीं अटैम्प्ट किए या मैंने वो गलत कर दिए. तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या मतलब आपने कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं या आपने इसको किस तरीके से डील किया? ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं मोस्टली. क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है फर्स्ट वो मुझे नहीं आता तो मुझे लगता है कि सारा ही पेपर नहीं आता मुझे, ठीक है. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो दूसरा आता होगा, दूसरा भी नहीं आता तो 10th तो आता ही होगा. 100 में से कोई तो क्वेश्चन आता ही होगा, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए कहीं ना कहीं. टेंशन में आते हुए जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी हमें खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको तो आप कंपनसेट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो अगर वो आपकी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती रहती है. तो जैसे इन्होंने बात की है कि इन्होंने इजी यूनिट्स के बारे में पहले प्रिपेयर किया था, तो मैं उसको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि आप क्या होता है कि जैसे आप एक नया सिलेबस स्टार्ट करते हो
तो आप अगर एक बहुत डिफिकल्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हो ना, तो वो आपसे प्रिपेयर नहीं होती, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो अगर आप एक न्यू लर्नर हो, आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उन्हीं यूनिट्स को स्टार्ट कीजिए जो आपको पहले आती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से मगअप कर लेते हो, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो वो आपको एक मोटिवेशन देता है ईजी टू डिफिकल्ट लेवल पर जाने के लिए। और जैसे डिम्पल ने बोला है कि आपको एग्ज़ाम से ना तो पहले स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है और ना ही एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेपर में जाके सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, पेपर को आराम से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग की तरह इसमें आपका कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, हमारे पास सफिशेंट टाइम होता है। आप हर क्वेश्चन पे एक मिनट लगा के या उससे ज़्यादा लगा के भी उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़रूरी होता कि आपको सारे क्वेश्चन आते हों, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो आते हैं वो सही होने चाहिए, उसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जैसे डिम्पल अभी आपने अपना नेट JRF है वो क्लियर किया है, तो डेफिनेटली या तो आप PhD में जाओगे या आप टीचिंग में जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या मोस्टली गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं वो गाइडेंस की कमी रहती है कि पता नहीं होता कि NTA NET की तरफ से ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसके थ्रू आप PhD में भी जा सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो ना, और नेट के बारे में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको, या मतलब क्या वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए नेट की प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, जहाँ से कोई भी एक नया लर्नर जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है और अपनी जर्नी को वो आगे लेके जा सकता है। तो सबसे पहले क्या लर्नर्स को क्या चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जिसको जिसकी थ्रू वो क्या कर सके, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। जैसे मैंने भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से तलवीर सर को फॉलो करके अपना एग्ज़ाम को क्रैक किया था। तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ हमें एक गाइडेंस, एक टीचर की ज़रूरत होती है जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहे, और सर जो है हमें गाइड के साथ साथ मोटिवेशन भी देते हैं, जो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। स्पेशली गर्ल्स के लिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और टाइमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे ये एग्ज़ाम है वो 90+ सब्जेक्ट में लिया जाता है, तो किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, या तो फिर आप टीचिंग में एनरोल कर सकते हो, या फिर आप PhD के लिए एनरोल कर सकते हो। तो ये तो सारी बातें रही एग्ज़ाम की, तो तकरीबन हमने हर पॉइंट को टच करने की कोशिश की है। तो अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, और क्या फैमिली से, आपने पहले बता दिया कि आपने मम्मी ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया, कि क्या कोई आपकी फैमिली में भी टीचर है जिससे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको टीचिंग में जाना है? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी टीचर नहीं है। मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने मुझे गाइड किया था MCOM के लिए, और देन MCOM में मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से ही ये गाइडेंस मिली है टीचिंग के लिए। ओके, तो मतलब ऐसा फैमिली की सपोर्ट पूरी रही है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट भी काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट होती है। तो मतलब वैसे कोई फैमिली में टीचर नहीं है, बट आपने उसको मतलब आपकी सिस्टर ने आपको गाइड किया और आपने उसके अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। चाहे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, कि क्या आप, जैसे हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता है ना, जैसे अभी हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइक आप पूरा दिन पढ़ भी नहीं सकते हो ना, लाइक तो माइंड फ्रेश करने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए क्या करना पसंद करते हो उस टाइम के दौरान? मेरी हॉबी जो है वो बैडमिंटन है, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। ओके, तो मतलब टीचिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है? हाँ जी। ओके, तो फ्री टाइम पर बैडमिंटन खेलना पसंद करते हो। ओके, तो आप अपना थोड़ी फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी मॉम है, डैड हैं, और मेरी दो सिस हैं और ब्रदर है। जो मेरा ब्रदर है वो प्लस टू में है अभी, और जो मेरी सिस्टर है उनकी मैरिज हो चुकी है। और बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं अभी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर मैरिज। तो जैसे डिम्पल अभी नेट JRF तो हो गया है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में अभी आपके पास दो तरीके के ऑप्शन है ना, या तो आप टीचिंग में जा सकते हो या फिर आप PhD में भी एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपका JRF क्लियर हुआ है, तो UGC के अंडर आप स्कॉलरशिप लेके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो क्या प्लान है, मतलब अभी? अभी मेरा PhD का प्लान है कि मैं PhD में एनरोल करूं, क्योंकि मुझे और ज़्यादा थोड़ी स्टडी करनी है अभी। ओके, तो मतलब आप PhD के बाद ही टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्लान है, या मतलब क्योंकि PhD तो इट इज़ लाइक रिसर्च है ना, तो आप खुद समझ सकते हो कि 4 साल के लिए आप एंटर कर रहे हो, तो थोड़ा लग नहीं रहा कि अगर मैं टीचिंग में ही चली जाऊँ या फिर रिसर्च में ही जाना है, तो माइंड में कुछ चल नहीं रहा? लाइक कई बार होता है ना हमारे दिमाग में कि यार चलो PhD रहने देते हैं, अभी फ़िलहाल टीचिंग कर लेते हैं,
डिसाइड कर लिया कि अभी पीएचडी करनी है? हाँ जी, क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं वो मेरी फैमिली वो सपोर्ट करती है स्टडी के लिए, तो पीएचडी में ज़्यादा मुझे प्रेफरेंस देते हैं कि पीएचडी कर ली जाए। ओके, तो उसके लिए आपने कोई किया कभी कहीं पे एनरोल या अभी नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया है। ओके, तो चलो जल्दी ही आपका पीएचडी में हो ही जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप पीएचडी भी कर ही लोगे। जिस तरीके से आपका जेआरएफ भी क्लियर हो गया तो पीएचडी भी हो ही जाएगी। ओके, तो डिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं, तो वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके कोई भी लर्नर है वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, या जो आपको क्या लगता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो वो एक, जैसे हम यूनिवर्सल स्ट्रेटजी बोल देते हैं ना कि ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, इसके बिना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से 3 टिप्स हैं, या वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं या 3 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके कोई भी लर्नर अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है? तो फर्स्ट की प्रॉपर नोट्स बनाए जाएं, मोस्टली क्या किया जाए, शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं ताकि उनको ईजिली हम रिवाइज भी कर सकें। एंड नोट्स के साथ साथ हमें MCQ भी लगाने चाहिए। MCQ जो हैं वो एक एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, और हमारे जो पेपर में हैं वो भी MCQ ही आते हैं, तो MCQ लगाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आएगी कंसेप्ट की। और थर्ड वन इज़ कि हमें रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जो है एग्ज़ाम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो ना भूलें। 100% सिलेबस अगर नहीं कवर अप होता, लेकिन 70-75% सिलेबस कवर अप करके भी हम ईजली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस 70-75% की रिवीजन भी करनी चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। डिंपल, जैसे आपको पता है कि लास्ट, ठीक है, 2-3 अटैम्प्ट से जब से NTA से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है ना। पहले तो था ऑफलाइन होता था, आपको OMR शीट मिलती थी और आप उसको फिल करके एग्ज़ाम देती थी। जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है या एक फियर रहता है, मतलब क्योंकि सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते हैं या एज्ड होते हैं, तो उनके लिए इस एग्ज़ाम को लाइक ऑनलाइन अटैम्प्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, वो तो एक फैक्ट है। तो आपकी मॉक टेस्ट के बारे में क्या स्ट्रैटेजी रही है, किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए, कहाँ पे अटैम्प्ट किए, कितने अटैम्प्ट किए, मतलब आप मॉक टेस्ट के बारे में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को डिटेल में बताइएगा। ओके, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे मैं किसी भी टॉपिक को रीड आउट करती थी तो उसके ऊपर MCQ लगा लेती थी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम पास आता था तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो मैंने उनको लगाया था, और कुछ बहुत सारी साइट होती हैं उन पे भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए। और एक हर एक एजुकेटर की मैं क्विज जरूर देती थी, जैसे कि थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चलती रहे अपने कंसेप्ट की, और कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होता रहे। ओके, तो देखिए मॉक टेस्ट देना एक अलग चीज़ हो गया ना, हम मॉक टेस्ट दे देते हैं, उसको एनालाइज करना एक अलग चीज़ हो जाएगी ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट दे दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसको एनालाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप मॉक टेस्ट जब दे देते हो तो मतलब जब आपने दिए हैं मॉक टेस्ट, तो उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करते थे तो एनालिसिस में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या सभी क्वेश्चंस को देखते थे या वो जो आते हैं उनको देखना चाहिए या जो नहीं आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या किया था? जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते थे मैं सबसे पहले उनको ही रीड आउट करती थी, और जो मेरे करेक्ट आंसर होते थे उनको मैं जस्ट एक रफली आइडिया ले लेती थी कि ऐसा हो सकता है कंसेप्ट को। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि देखो मॉक में तो लाइक जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो वो जो रॉन्ग क्वेश्चन होते थे फिर आप उनको कैसे डील करते हैं, मतलब लाइक जैसे सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन दिए तो उसमें से 30 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके गलत हुए, तो 30 तो चलो सही है, आपने बोला कि आप एक बार उसको रफली रीड आउट कर लेते हो, तो उन 20 क्वेश्चन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, या उसको आप कैसे डील करते थे कि नेक्स्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मेरा गलत नहीं हो? उन 20 क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन होती थी वो रीड आउट करती थी और नोट्स बनाती थी उसके ऊपर, अगर कोई नया पॉइंट निकलता था देन उनको भी मैंने थोड़ा बहुत गूगल करके नोट्स बनाए, और फिर मैं मतलब कहीं बार जो हो जाता था वो मतलब क्लियर हो जाता था कंसेप्ट। कहीं ना कहीं आप कहते हो कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना वह बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि कहीं ना कहीं जो गलती हुई है उसको वहाँ पर ही सुधार लिया जाए ताकि अगर पेपर में वो पूछा जाता है तो वो किसी तरीके से आपकी गलती ना हो, उसमें किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो।
देखिए NTA NET का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। उससे एक तो आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल है वो क्या चल रहा है, और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में होती है वो होती है टाइम की। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है और कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आपका कम टाइम लग रहा है। तो मॉक टेस्ट लगाना और उसका एनालाइज करना दोनों बहुत ही ज़रूरी बातें हैं और एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए डिम्पल, पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो जैसे ये हमारा शो है तो ना इसका एक फन सेगमेंट होता है जिसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। तो मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी उनके आंसर देने हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। जो भी चीज़ आपके माइंड में सबसे पहले आती है आपने वो अपना आंसर दे देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो आप कौन सी पावर लेना चाहोगे? मैं सुपर पावर लेना चाहूँगी, इनविजिबल होना चाहूँगी। मतलब आप गायब होना चाहते हो ना? अच्छा, तो गायब तो चलो आप हो जाओगे, मगर क्यों होना चाहते हो? मतलब ऐसा क्या करना चाहते हो जिसके लिए आपको गायब होने की जरूरत पड़ रही है? एक तो सबसे पहले तो सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब JRF के बाद और भी एग्जाम क्रैक करने हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए सुपर पावर चाहिए? बिल्कुल। ओके, तो अगर आपको एक टाइम मशीन दी जाए और आपको बोला जाए कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो किससे मिलना चाहोगे? तो सर, मैं पास्ट में तो किसी से मिलना नहीं पसंद करूंगी, लेकिन मैं प्रेजेंट में संदीप महेश्वरी से मिलना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे उन्हें मोटिवेशनल स्पीक्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, तो संदीप महेश्वरी से मिलना पसंद करोगे। ओके, अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो क्या करना चाहोगे उस एक दिन के अंदर? सर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम भी हैं और हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरेटिकल है। ओके, तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए। एक तरफ तो आप बोलते हो कि एग्ज़ाम होनी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम तो होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। प्रैक्टिकल जैसे बीकॉम में हमने सिलेबस कवर अप कर लिया है, वही सिलेबस एमकॉम में है, तो एमकॉम में उसकी थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए। एक ऐसा टैलेंट जो आप में नहीं है और आप चाहते हो कि आप में हो, अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या टैलेंट लेना चाहोगे? डांसिंग, मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, तो आप चाहते हो कि आप मतलब डांसिंग सीखना चाहते हो लाइक, तो वो वैसा। ओके, तो डिम्पल, आप 10 साल की डिम्पल को, मतलब आप खुद को क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो 10 ईयर की एज में मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि मुझे डांस सीख लेना चाहिए था। okay. क्योंकि अब इतनी ज़्यादा स्टडी का स्ट्रेस हो जाता है जो डांस पर फोकस नहीं किया जाता। मतलब कहीं ना कहीं आप आज वो विश है वो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको उस टैलेंट की, अगर आपने 10 साल की उम्र में डांस सीखा होता। राइट तो हमने बहुत सारी बातें की आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी और हमने एग्ज़ाम को रिलेटेड भी, तो सभी आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। तो हम अनअकैडमी की टीम से आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे, ये आपके लिए। थैंक यू सर। तो जैसे हमारे इस शो की प्रथा है कि आपको एक टॉपर को टैग करना होता है ताकि आपकी तरह हम उन्हें भी यहाँ पर बुलाएं, तो आप किसको टैग करना चाहोगे? मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है भावना, उन्होंने भी JRF कॉमर्स में क्लियर किया है, तो मैं उसे टैग करना चाहूँगी। तो भावना, आप तैयार रहिएगा, बहुत जल्द अनअकैडमी की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और इस शो में हम आपको देखना चाहेंगे। तो डिम्पल, इन द एंड आप हमारे एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। तो मैं यही देना चाहूँगी कि यही सजेशन देना चाहूँगी कि लर्नर्स को जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके क्रैक करना चाहिए, मतलब ये सोच के करना चाहिए कि सभी कुछ ईजी है, और मोटिवेशनल एक स्पीकर को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करता रहे। हमने बहुत सारी बातें की और काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने टच किया, बहुत अच्छा लगा। आपने स्टूडेंट्स के मतलब आपने एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि किस किस तरीके से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा इस इंटरव्यू से, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को आंसर किया है। तो आपका CTwT में आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ आप उसके बारे में ज़रूर बताइए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम मिलती है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी ने दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगी अनअकैडमी को। बहुत बहुत थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं, आई होप कि सभी लर्नर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स एनटीए नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप कि उनको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स पता चले होंगे, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं वो कर रहे थे, तो उन सारी मिस्टेक्स को हटा के जून वाले एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इन सारी चीज़ों से सीख के अपना JRF क्लियर कर लें। इसी तरीके के और बहुत सारे एपिसोड देखने के लिए Unacademy का कैमोमाइल टीवे टॉपर्स चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।